Hello friends, this is Sangam Foray and welcome back to my channel Pharmacetry. Friends, in this video I am going to talk about Folinext D capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉलिनेक्स्ट डी कैप्सूल। फ्रेंड्स, फॉलिनेक्स्ट डी कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए कहता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर अगर कोई पोषक तत्व की कमी ना जाए, उसको दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन विटामिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूसेज होते हैं, कैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन, कैसे साइड इफेक्ट, कैसे डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि एक अपने आप में एक हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में पांच नहीं, दस नहीं, पूरे 15 कैप्सूल्स आते हैं। जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल रहती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है फॉलिनेक्स्ट डी, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मेनली चार मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंट लेडी में किया जाता है। क्यों किया तो वो आगे मैं चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है मिथाइल कोबालामिन। पहला ऐसा मिथाइल कोबालामिन जिसको विटामिन B12 भी हम लोग बोलते हैं। फिर कहते हैं फॉलिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन B9 भी बोलते हैं। फिर कहते हैं पायरिडॉक्सिन जिसको हम लोग विटामिन B6 भी बोलते हैं। फिर कहते हैं DHA का पूरा नाम डोकोसहेक्सानोइक एसिड होता है, और साथ में ओमेगा वगैरह भी ये सब पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में DHA पर चर्चा करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, DHA का पूरा नाम डोकोसहेक्सानोइक एसिड होता है जिसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी में अगर बेबी जब होता है, इन्फेंट डेवलप होता है, तो जब इन्फेंट का ब्रेन डेवलप होता है, जब बच्चे का ब्रेन बनना शुरू होता है गर्भ में, यूटेरस में, और आंख बनना शुरू होता है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बनाने में उसको। तो सिंपली समझो कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और आई इन इन्फेंट, कि अगर किसी इन्फेंट के बच्चे हैं जो यूटेरस में हो, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट सही से हो, बढ़िया से हो, और आँख का डेवलपमेंट सही से हो, बढ़िया से, अच्छे से हो, इसलिए इसका इस्तेमाल किया था। तो सिंपली समझो कि किसी बच्चे का जो यूटेरस में है, ठीक है, गर्भ में है, उसके ब्रेन को, ब्रेन और आँख के बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मतलब कोई डिफेक्ट ना जाए, उसको दूर करने के लिए DHA का इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में कि DHA का रोल क्या होता है। तो DHA का रोल बहुत वाइटल रोल होता है बच्चे के ब्रेन को बनाने में, विकसित करने में, और आँख को विकसित करने में, ठीक है, उसको डिफेक्ट ना होने देता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल क्लियर, अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडी को ही किया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी में ही किया जाता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई स्त्री या वुमन, ठीक है, प्रेग्नेंट है, तो उस दरमियान इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अब इसको जरा समझेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैंने इसमें बताया कि मिथाइल कोबालामिन क्या है कि ये रिड्यूस नर्व डैमेज, अगर कोई बच्चा यूटेरस में डेवलप हो रहा है, ठीक है, इन्फेंट डेवलप हो रहा है, तो उसके नर्व डैमेज को ये स्टॉप करेगा, रोकेगा, ठीक है।
फिर इसमें क्या, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करेगा, आयरन की कमी को पूरा करने का काम करेगा, मतलब मेंटेन एचबी। ये क्या करेगा, एचबी को मेंटेन करके रखेगा मां में। जैसे ही बच्चा जब डेवलप होना शुरू होता था, जाहिर से बात उसमें ब्लड चाहिए, एचबी चाहिए ना जी, तो वो मां से ऑब्जर्व करता है, तो वो मां को भी मेंटेन एचबी लेवल को मेंटेन करके रखता है। फिर कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या करता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये मेंटेन एचबी तो हो ही गया, तो मेंटेन आरबीसी, आरबीसी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ड्यूरल प्रेगनेंसी में देने से। फिर क्या, डीएचए। डीएचए के बारे में मैंने बता ही दिया कि उसका इस्तेमाल क्या होता है। तो जब बच्चे इन्फेंट जो यूटेरस में होते हैं, उसका जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन बनना शुरू होता है, आंख बनना शुरू होता है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसको डिफेक्ट होने से बचाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इसको कहते हैं प्री या पोस्ट नटाल वीकनेस। कि अगर पहले बच्चे जो यूटेरस में है, ठीक है, या यूटेरस के बाद आउट होकर बाहर आएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई वीकनेस ना आए तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जनरली इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दरमियान किया जाता है, एचबी को मेंटेन करने के लिए, नर्व डैमेज को मेंटेन करने के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ब्रेन और आंख के डेवलपमेंट के लिए। और फिर कहते हैं कि बच्चा पहले जन्म से पहले अगर यूटेरस में तो उसमें कमजोर ना पड़ जाए, या जन्म के बाद उसके बाद ना कमजोर पड़ जाए, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर घुमा फिरा कर कहूँ तो इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इस यूसेज आपको अच्छे समझ में आया कि क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स बेसिकली इसका कुछ कंट्राइंडिकेशन होता नहीं, क्योंकि एक तरह से हेल्थ सप्लीमेंट होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर टैबलेट का, हर कैप्सूल का, हर सिरप का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस कैप्सूल का भी साइड इफेक्ट। नंबर वन है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग कहने का आपको लगेगा ढेकार टाइप का लगेगा, करे या पर कुछ सीने पे लगेगा, कुछ बोझ टाइप का चढ़ा हुआ है, ठीक है, भोजन कैसे ज्यादा होता लगता है चढ़ गया, उस तरह का ब्लॉटिंग आपको होगा। फिर कहते हैं बीटर टेस्ट, आपका कुछ कोई चीज खाएंगे तो आपको तीखा तीखा लगेगा, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और जरूर बताएं कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें इसके डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली ये जो डोज है इसमें मिथाइल कोबालामिन भी मिला हुआ है, तो 1 × ODHS लेते हैं आप, 30 कैप्सूल्स ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो आप 30 कैप्सूल लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है, तो 1 × ODHS एक कैप्सूल रोज। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे शानदार तरीके समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि फॉलिनेक्स डी कैप्सूल क्या होता है, कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट, कैसे डोज। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।